सहूनी फौज की लबनान में जारी हर 24 घंटों में 77 शहरियों को शहीद कर डाला। सहूनी फौज की सैदून और सरपंद में बमबारी, 17 शहरी जान से गए। हिजबुल्ला की शदीद जवाबी कार्रवाइयां, तलबी फैफा समेत कई शुमाली इसराइली इलाकों पर ड्रोन और रॉकेट दाग दिए। इराकी मजाहमतकारों ने भी वादी जोलान में मिजाइल दागे। सहूनी फौज ने गजा के इलाके बैतुलाया में क्यामत बर्पा कर दी। इलाका आफत ज़दा करार, एक के बाद दूसरा मिसाइल हमला। बना गज़ीनों की रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। हर तरफ इंसानी अज़ाब बिखर गए। पहले हमले में 93 और दूसरे में 19 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शहदा और जख्मियों में बेशतर खवातीन और बच्चे शामिल। खान यूनिस, दीर अल बला, अल मवासी और रफा में भी शदीद बमबारी, एक दिन में 143 फलस्तीनी जान से गए। शहदा की मजमू तादाद 43,163 हो गई। कमाल अदवान अस्पताल की बैनुल अक़वामी मदद की अपील। इसराइल का हकीकी दुश्मन नेतन्याहू है, ईरान और हिजबुल्ला नहीं। अमरीकी मीडिया CNN के मुताबिक साबिक सहूनी वजीर आजम ने कहा है कि नेतन्याहू ने अपने ही बेवकूफाना इकदाम के जरिए साबित कर दिया है कि वो इसराइल के हकीकी दुश्मन है। ईरान और हिजबुल्ला, यहाँ तक कि हमास भी, इंतहा पसंद नेतन्याहू की तरह नहीं है। पाक सरजमीन को खारजियों से पाक करने का मिशन, सिक्योरिटी फोर्सेज का बन्नू के इलाके बका खेल में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 8 खारजी जहां नवासर, 7 जख्मी। फायरिंग के तबादले में मेजर आतिफ खलील, 2 जवानों समेत जाम शहादत नोश कर गए। शहदा में नायक आजादुल्ला और लांस नायक गजनफर अब्बास भी शामिल। मेजर आतिफ खलील शहीद का ताल्लुक आजाद कश्मीर से था। जिला जोब में भी फोर्सेज से फायरिंग के तबादले में एक खारजी मारा गया, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। मौसम में सरमा की दस्तक, लाहौर की फसा खतरनाक हद तक आलूदा। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन का नफाज, मजमू एयर क्वालिटी इंडेक्स 236 रिकॉर्ड। मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल इंतहाई खराब। हुकूमत ने शहरियों को आलूदगी और बीमारियों से महफूज रखने के लिए ग्रीन लॉकडाउन लगाया गया। ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में चिंगची रिक्शे पर पाबंदी होगी। लाहौर हाईकोर्ट ने महकमा माहौलियात समेत दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। स्मोक से निजात, लाहौर की गिर्द जदीद टेक्नोलॉजी से ग्रीन रंग बनाने का इनकलाबी फैसला। शहर के गिर्द दरख्तों की दीवार बनाई जाएगी। सनती इलाकों में शजरकारी बढ़ाने का भी ऐलान। कार्बन की रोकथाम और ऑक्सीजन की मकदार बढ़ाई जाएगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की तालीमी इदारों और तलबा को भी ग्रीन फोर्स बनाने की हिदायत। पाकिस्तान में, पंजाब के अंदर खुसूसन लाहौर में इशू है स्मॉग का, तो ये डिप्लोमेसी हमें इंडिया के साथ करनी है। मैं सोच रही हूँ कि इंडियन चीफ मिनिस्टर, जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, उनको ख़त लिखूं कि ये एक सियासी मसला नहीं है, ये एक इंसानी मसला है। स्मॉग पर पाक भारत डिप्लोमेसी की ज़रूरत, दोनों पंजाब को मिलकर इकदाम करना होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने स्मॉग के मामले पर भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को ख़त लिखने का इंदिया दे दिया। तकरीब से खिताब में कहा, स्मॉग का मसला सियासी नहीं बल्कि इंसानी है। जब तक दोनों पंजाब मिलकर इकदाम नहीं करते, हम स्मॉग से नहीं लड़ सकते। वज़ीर आला पंजाब ने नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल का संग बुनियाद भी रख दिया। राना सनाउल्लाह ने मौलाना फजलुर रहमान के बयान की तर्दीद कर दी। चीफ और खरीदा में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि 26वीं आईनी तरमीम में कोई ऐसा वोट नहीं था जो हुकूमत ने खरीदा हो। मौलाना फजलुर रहमान का अपना बयानिया है, वो आखिर तक तरमीम में शामिल थे, जजेस आइन और कानून के मुताबिक ही फैसला करेंगे। मनाफी कोई कानून नहीं बनाया जाएगा। जमहूरियत जिसका मकसद वाज़े है, निज़ाम मुमलकत में अवाम की शराकत दारी को तस्लीम किया गया, आमरियत नहीं होगी। अवाम की मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती उन पर कोई मुसल्लत नहीं होगा।
ये मुल्क सेकुलर नहीं मजहबी है। हक हुक्मरानी अवाम के मुंतखब अफराद को होगा। हम अपनी मंजिल हासिल करके रहेंगे। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान ने डेरा इस्माइल खान में जलसा आम से खिताब करते हुए कहा कि भारत ने अपना आयन बना लिया था, लेकिन पाकिस्तान तवील अरसे तक बे आयन रहा। 1956 का आयन आया, लेकिन इसे कौम का मुतफिक का आयन नहीं कहा गया। 1962 का आयन एक आमिर का था। तनाज़ियात के हल की मुतबादल कमेटी तश्कील। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तश्कील करदा कमेटी के चेयरमैन जस्टिस मंसूर अली शाह मुकर्रर। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शायद वहीद कमेटी के मेंबरान होंगे। नोटिफिकेशन की कॉपी तमाम मुतालिक अफसरान को भिजवा दी गई। लंदन में काजी फायज ईसा और पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर हमला। वजीर दाखिला के वाकई की मजम्मत। नादरा को हमला आवरों की शनाख्त के लिए फौरी इकदाम का हुक्म। मोहसिन नकवी कहते हैं किसी को भी इस तरह के हमले की इजाजत नहीं दी जा सकती। बानी PTI की हिदायत पर बुशरा बीबी की लाहौर आमद। साबिक खातून अव्वल ने जमान पार्क का चार्ज संभाल लिया। बुशरा बीबी के पहुंचते ही लाहौर पुलिस भी मुतहरिक। एहलकारों ने जमान पार्क को घेरे में ले लिया। दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। इस्लामाबाद में 24 घंटों के दौरान 5 बैंक डकैतियां। वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा सरकारी होने का इंकशाफ। पुलिस के मुताबिक शॉर्ट मशीन गन थाना सेक्रेटेरिएट से चुराई गई थी। इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार से एक फर्जी मुलाजिम SMG ले उड़ा था। थाना सेक्रेटेरिएट में SMG गायब होने की रिपोर्ट दर्ज। तहकीकात शुरू कर दी गई।